तो हेलो दोस्तों, अगर आपका सपना है एक डीएसपी ऑफिसर बनने का, यानी आप डीएसपी बनना चाहते हो, चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉयज़, यानी आप चाहे आप लड़की हो या फिर आप कोई लड़का हो, यानी है ना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा आपके पढ़ाई से लेकर, यानी आपकी जो स्टडी से लेकर जो है डीएसपी बनने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, ए टू जेड। जितना भी होगा ना, जितना भी मतलब जा क्या क्या चाहिए इसके लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी ये मान के चलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसमें देखिए दोस्तों, डीएसपी कैसे बनोगे आप, कितनी पढ़ाई करनी होगी आपको, एज क्या होनी चाहिए आपकी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं, हाइट कितनी चाहिए, कौन कौन से पेपर होंगे, डीएसपी बनने का पूरा तरीका आपको बताऊंगा, कितने पेपर होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स इसमें लगती है, पेपर से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा प्रोसेस आपको इसमें दोस्तों बताने वाला हूँ। ओके, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, यानी लास्ट तक देखिएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप एक डीएसपी बनना चाहते हो ना, तो उस चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाएगी, यानी इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप यानी लाइन वाइज सारी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी एक एक करके सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों देखिए, डीएसपी बनना तो काफ़ी बच्चों का सपना होता है, पर उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से दोस्तों एक दो चीज़ें करने के बाद उनको बाद में पता चलता है लास्ट में कि यार इसमें ये भी चाहिए होता है, मेरा तो ये कम्प्लीट नहीं है, अब मैं ये जो स्टडी नहीं कर सकता। ओके, यानी उनका 1 से 2 साल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों आपका 1 से 2 साल ख़राब ना हो, आपको पहले ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और कैसे क्या करना है ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना, तो आप आसानी से जो है डीएसपी की तैयारी कर सकते हो और डीएसपी पोस्ट पे जा सकते हो। ओके, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ओके, ताकि मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से। ओके, आइए मैं आपको लाइन वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ एक एक करके, स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएसपी कौन होता है। ओके, तो यानी डीएसपी के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, इसके बाद मैं आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, पुलिस विभाग में डीएसपी का पद एक अधिकारी का होता है। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, हिंदी भाषा में इसे उप पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी यूपीएससी के द्वारा। ओके, आइए अब लाइन वाइज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चालू करता हूँ, यानी स्टार्ट करता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएसपी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों देखिए, डीएसपी के पद के लिए योग्यता स्नातक रखी गई है, यानी ग्रेजुएशन रखी गई है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी यानी जो विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं उनको स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। स्नातक के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उत्तीर्ण का अंक पत्र दान करना होगा। यानी देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया है कि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस पेपर को दे सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, लास्ट ईयर में हो, तो आप इसके लिए जो है इस परीक्षा में भाग ले सकते हो। ओके, परंतु जो है आपको जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको ओरिजिनल मार्कशीट देनी होगी, यानी ओरिजिनल रिजल्ट देना होगा ग्रेजुएशन का। ओके, और देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हुआ चल जाएगा, है ना, बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ओके, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और दोस्तों बात करें अगर डीएसपी की सैलरी की, ओके, तो एक डीएसपी को जो है वेतन जो है बैंड 9300 से लेकर 34800 में ग्रेड पे 5400 के साथ वेतन मिलता है। ओके, है ना, यानी ये जो है वेतन है, सैलरी है। ओके, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं डीएसपी की तैयारी कैसे करें। ओके, फिर इसके बाद में दोस्तों आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी पड़ेगी बाहर से ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। ओके, तो डीएसपी की तैयारी कैसे करें। ओके, डीएसपी की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है, वो मैं आपको भाग बताता हूँ। 3 भागों में इसको डिवाइड करा गया है ना।
वो तीन भाग कौन कौन से हैं वो मैं आइए आपको क्लियर कर देता हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा समझ में दोबारा देखिएगा, इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला भाग आता है आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम। ओके, सबसे पहला यानी मैंने आपको बताया था ना तीन भाग होते हैं परीक्षा के, तो सबसे पहले भाग में आता है प्रारंभिक परीक्षा। ये DSP बनने का प्रथम चरण है। इस परीक्षा में जनरल स्टडी के अंतर्गत 150 अंक निर्धारित किया गया है, जिसे इसमें वैकल्पिक विषय 300 अंक का होता है। ओके, यानी ये आपका पहला है, पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा जिसमें कि जनरल स्टडी के अंतर्गत जो 150 अंक निर्धारित किया गया है, इसमें वैकल्पिक विषय विषय में से 300 अंकों का होता है। ओके, आइए अब जान लेते हैं मेन एग्जाम के बारे में। आप तो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही मेन एग्जाम में जाओगे, ये बात ध्यान रखना। आइए अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेन एग्जाम की। प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा यानी जो इससे पहले वाला मैंने आपको बताया था, वो प्री एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले अभ्यर्थी यानी जो विद्यार्थी उसमें पास हो जाते हैं उसमें वो जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी जो विद्यार्थी उसमें प्री एग्जाम में यानी प्रारंभिक परीक्षा में पास होते हैं उनको ही ये अवसर प्रदान किया जाता है कि वो मेन एग्जाम में पास हो पाए, यानी आपको उसे क्वालिफाई करने के बाद ही इसमें आने का मौका मिलता है। इस परीक्षा में अनिवार्य विषय के अंतर्गत भारतीय भाषा 300 अंक, यानी इस परीक्षा में अनिवार्य विषय के अंतर्गत जो भारतीय भाषा आपका 300 अंक का होगा, अंग्रेजी 300 अंक और निबंध 200 अंक और जनरल स्टडी 300 अंक, वैकल्पिक विषय के लिए अंक 2 डिजिट में निर्धारित है। ओके, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, भारतीय भाषा 300 अंक, अंग्रेजी 300 अंक, निबंध जो है 200 अंक और जनरल स्टडी जो है 300 अंक, वैकल्पिक विषय के लिए अंक 2 डिजिट में निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको इस चैनल पे जो है मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है जिसमें कि GK के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, उस उन्हें आप जाके जो है वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। यानी उन सारी वीडियो को देखने के बाद जो है 100% दोस्तों आप जो है जनरल स्टडी में काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ओके, और दोस्तों और भी काफ़ी सारी मैंने पोस्ट की वीडियो बना के डाल रखी है ना, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, SP, IAS, मतलब काफ़ी सारी पोस्ट हैं जो कि आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो अगर आपको कुछ इससे अलग कुछ बनना हो तो। ओके, आइए अब फिलहाल जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी तीसरे चरण की बात करते हैं यानी थर्ड स्टेप की। मैंने आपको बताया था ना तीन चरण होते हैं यानी तीन भाग होते हैं, तो मैंने आपको दो भाग बता दिए। पहले बताया था प्री एग्जाम, आपको याद हो तो, दूसरा अभी मैंने आपको बताया था मेन एग्जाम। ओके, आइए अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, आइए चलते आगे की ओर। तो देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर पे आपकी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद छात्र को साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, यानी इंटरव्यू में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इंटरव्यू का आयोजन आयोग द्वारा किया जाता है, इंटरव्यू आयोग द्वारा निर्धारित समिति के समक्ष देना होता है। ओके, इसमें जो अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी के मानसिक स्तर की जांच की जाती है। यदि आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हो यानी आप इसमें अगर पास हो जाते हो तो आपको DSP के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। ओके, इस परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थी को पूर्ण यानी पूर्व वर्षों में कुछ गए प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए, यानी इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जो है पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। आप इंटरनेट की सहायता से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इंटरनेट पर दोस्तों आपको पता है काफ़ी जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ तक कि मैंने भी काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल कर रखे हैं अपने चैनल पर। इसकी तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान की सहायता प्राप्त कर सकते हैं आप, और फिजिकल टेस्ट के लिए आपको परीक्षा में पूर्व 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको सुबह के समय दौड़ लॉन्ग जंप और
तैयारी करना चाहिए जिससे आपका शरीर फिट रहेगा। परीक्षा की तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार करनी चाहिए। यानी दोस्तों देखिए, अगर आप TSP बनना चाहते हो ना, जो मैंने आपको इसमें सिलेबस बताया था वो उस सिलेबस से ही आप स्टडी करना। और बाय द वे, आप इंटरनेट पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आप सर्च करके देख सकते हो कि DSP का सिलेबस क्या है। फिलहाल मैंने कि इसमें बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आया हो अच्छे से तो आप जो है पहले जो है इंटरनेट पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे या फिर जहाँ पे आप कोचिंग सिस्टम में ज्वाइन हो गए वहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना कि DSP का सिलेबस क्या है। ओके।